सदन का अवमानना है। और आज मैं कल भी बोला था और फिर मैं आज बोल रहा हूँ, ये नियोजन नीति को लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश में युवाओं में युवतियों में एक खलबली है कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये 60-40 क्या है 60-40, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को ये बाहरियों से इतना प्रेम कैसे हो गया है? अरे जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के स्थायी निवासी है, जिसके पास में खतियान है, खतियान आधारित नियोजन नीति होना चाहिए, चाहे सर्वे आगे पीछे हुआ हो, जिसके हाथ में खतियान है वही है यहाँ का मूलवासी, वही है यहाँ का आदिवासी, वही यहाँ का स्थानीय है। तो इसको करने में क्या लगा है? कोई किचकिच नहीं होगी, यहाँ खतियान सिर्फ आदिवासियों के पास नहीं, यहाँ मूलवासियों के साथ है और लोगों के पास, जो भी मजहब के लोग हैं सारे लोगों के हाथ में सर्वे हुआ है। तो जमीन है तब ना सर्वे हुआ है, तो सर्वे हुआ है तो जिसके खतियान उसके पास जरूर है। तो सारे मजहब के लोगों के पास में खतियान है, और खतियान है तो यहाँ का स्थायी निवासी है, और स्थायी निवासी है तो खतियान के आधार पर नियोजन नीति हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर कट है। ये मने मन लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री का प्रसाद है क्या ये 60-40 ऐसा नहीं चलने वाला है। और विरोध हो रहा है, बीजेपी की साजिश बताया जा रहा है। कोई बीजेपी का साजिश नहीं यार, ये आप लोग साजिश करा रहे हो। क्या बीजेपी की साजिश है? सब चीज पत्रकार ही सॉफ्ट टारगेट नहीं नहीं अभी बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं क्या। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।